श्री पुष्टिकर श्री पुरोहित सूरजराज रूपा देवी स्मृति महिला महाविद्यालय द्वारा आप सभी को आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हाँ, करोगे योग रहोगे निरोग, ये कहावत तो सदियों से चली आ रही है, पर हमारे भारत देश में इस सदियों से चली आ रही कहावत को चरितार्थ किया है अभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री महोदय श्री नरेंद्र मोदी जी ने। मोदी जी का कहना है कि प्रतिदिन जो योगाभ्यास करते हैं वो स्वस्थ तो रहते ही हैं, उसके साथ हमेशा उनमें स्फूर्ति बनी रहती है। योग करने से उनके मन में जो भी करने की भावना है वो और अधिक बलवती होती जाती है और वो और अधिक ऊर्जावान होकर अपना काम करने में स्वतः स्फूर्तिमान हो जाते हैं। आज का दिन विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है कि 21 जून का दिन सबसे लंबा दिन माना गया है और इसके बाद सूर्य अपनी दिशा परिवर्तित करते हुए उत्तरायण से दक्षिणायन की ओर प्रवेश करना प्रारंभ कर देगा। और ये योग जब कोरोना महामारी आई उसके बाद सब में एक और नई आस दिला गया, एक मन में उमंग दिला गया कि हम अगर योग करते हैं तो इस कोरोना रूपी महामारी से भी बच सकते हैं। हमने जिन्होंने इस कोरोना महामारी के समय में ज़्यादा से ज़्यादा योगाभ्यास किया, अपने परिवार में योग का फैलाव किया, जिन्होंने योग को अपनाया, वे लोग तुलनात्मक रूप से अधिक स्वस्थ रहे जो लोग योग नहीं करते थे उनसे। और आज इस योग ने अंतर्राष्ट्रीय रूप ले लिया है। आज अमेरिका में भी हमारे योग गुरु जो थे वो वहाँ पहुँचे हैं और उन्होंने भी वहाँ सामूहिक रूप से न्यूयॉर्क में योगाभ्यास करवाया है। आज मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 15,000 लोगों के साथ योगाभ्यास किया करवाया और वे प्रतिदिन सुबह प्रातःकाल 4 बजे उठकर योग करते हैं, तो हम भी उनसे ये प्रेरणा लें कि हमें भी प्रतिदिन योग करना चाहिए। और इसी भावना को हमारी छात्राओं में जागृत करने के लिए आज हमने भी हमारे यहाँ श्री महेंद्र कुमार जी व्यास के निर्देशन में सभी छात्राओं और हमारे साथ हमारे सभी प्राध्यापकों ने, व्याख्याताओं ने भी सामूहिक रूप से आज योग दिवस पर योग किया। तो आप सभी से भी अपील कि आप प्रतिदिन निरोग रहने के लिए योग करें। धन्यवाद।